नमस्कार, culture.com के किचन में आपका स्वागत है। आज मैं आपको कैरेमल पॉपकॉर्न बनाना बताऊंगी। इसे घर में सिर्फ 5 मिनट में बना के तैयार किया जा सकता है। खाने में बहुत टेस्टी होता है और बहुत ही आसानी से बन जाता है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो उसके बारे में कमेंट्स लिखिए, लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो चलिए देखते हैं कैरेमल पॉपकॉर्न कैसे बनाते हैं और इसे बनाने के लिए क्या क्या सामग्री चाहिए होती है। कैरेमल पॉपकॉर्न बनाने के लिए हमने 1/4 कप कॉर्न के दाने ले लिए हैं। ये सूखे नॉर्मल मकई के दाने हैं। 1/4 कप हमने चीनी ली है। 1 बड़ा चम्मच हमने बटर लिया है। बस इतनी ही चीजें हमें चाहिए। तो चलिए कैरेमल पॉपकॉर्न बनाना शुरू करते हैं। पॉपकॉर्न बनाने के लिए सबसे पहले हम किसी गहरी कढ़ाई में बटर डाल देंगे। थोड़ा सा हम 1 छोटे चम्मच के करीब बटर बचा लेंगे और हम सारा इसमें डाल देंगे। इतना बटर हमने बचा लिया है, इसे हम बाद में कैरेमल बनाने के लिए यूज करेंगे। बाकी का हमने कढ़ाई में डाल दिया। बटर को मेल्ट हो जाने देते हैं। ये बटर मेल्ट हो गया है, इसमें ये हम कॉर्न के दाने डाल देंगे। अच्छे से इसे मिक्स करेंगे। बटर में हम आँच हम मीडियम कर देंगे। अब पैन का ढक्कन हम बंद कर देंगे। इसी तरह से पकाएंगे, ये दाने सारे फूल के पॉपकॉर्न बन जाएंगे। बीच बीच में इसे हम थोड़ा सा हिला देंगे। ढक्कन हम खोलेंगे नहीं, वरना सारे पॉपकॉर्न बाहर गिरने लगेंगे। तो हम ढक्कन बंद करके ही इसे बीच बीच में हिला देंगे। इस तरह से आँच हमें मीडियम रखनी है। थोड़ी देर में पॉपकॉर्न फूलने लगेंगे। देखिए पॉपकॉर्न सारे फूलने लगे हैं। इसे बीच बीच में हिला देंगे जिससे भी सारे अच्छे से फूल जाएं। जब इसमें से आवाज आनी बंद हो जाएगी तब हम गैस बंद कर देंगे और इस ढक्कन को खोलेंगे। 4 से 5 मिनट में ये सारे पॉपकॉर्न हमारे फूल के तैयार हो गए हैं। इसे किसी दूसरे बर्तन में निकाल लेते हैं। अब बाकी का बचा हुआ बटर हम फिर से पैन में डाल देंगे। गैस को हम फिर से ऑन कर देंगे और ये जो चीनी हमने ली थी 1/4 कप चीनी इसमें डाल देंगे। चीनी को ऐसे छोड़ देते हैं, ये थोड़ी देर में मेल्ट हो जाएगी। आँच हम मीडियम ही रखेंगे। ये देखिए चीनी मेल्ट होना शुरू हो गई है, एकदम अच्छे से मेल्ट हो जाएगी, बिल्कुल भी दाना नहीं रहेगा। तब तक हमें इसे मेल्ट करना है। थोड़ा सा इसे हम चलाएंगे, हल्का सा इसका कलर चेंज हो जाए, ब्राउन सा हो जाएगा। तब तक हम इसे पकाएंगे। बहुत तेजी से ये ब्राउन हो रहा है, देखिए कितनी जल्दी से ये इसका कलर चेंज हो गया है और ये पूरी अच्छे से एकदम मेल्ट हो गई है। कैरेमल हमारा तैयार हो गया है। हम गैस बंद कर देंगे और ये भुने हुए सारे कॉर्न हम इसमें डाल देंगे। बहुत ही अच्छे ये पॉपकॉर्न बनते हैं, एकदम क्रिस्पी। बच्चे बड़े सभी को पसंद आते हैं। ये बहुत जल्दी से ऐसे 5 मिनट में बन के तैयार हो जाते हैं। ढक्कन हम बंद करेंगे और इसे एकदम अच्छे से हिला के मिक्स करेंगे। एकदम अच्छे से मिक्स हो गया, सारे कॉर्न में हमारा कैरेमल अच्छे से लग गया है। ये हमारे कैरेमल पॉपकॉर्न तैयार हो गया है। इसे हम 10 मिनट तक इसी तरह से हवा में छोड़ देंगे तो ये एकदम क्रिस्पी हो जाएंगे। तब हम इसे सर्व करेंगे। जब ये एकदम ठंडे हो जाएंगे तब हम इसे सर्व करेंगे। ये हमारे कैरेमल पॉपकॉर्न बनके तैयार हो गए हैं। आवाज से ही लग रहा है कि कितने क्रिस्पी और टेस्टी हैं। आप भी इसे घर में बनाइए, ये सभी को बहुत पसंद आएंगे। और इसे सिर्फ 5 मिनट में हमने बना के तैयार किया है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इस बारे में कमेंट्स लिखिए, लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।